हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग सिंपल जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, जिसमें मैंने कल के क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन समझाए थे, बताया था। चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे जनरल एंट्री पास की जाती है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, कल का हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था वह था कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। ध्यान देना, मतलब 19 अप्रैल को क्या किया जा रहा है, गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है फॉर कैश नगद। तो मैंने आपको बताया था और आप लोग बनाए भी होंगे कि जब भी सोल्ड गुड्स आ जाए तो कौन सा अकाउंट बनाए हो आप लोग? जी, सेल्स का बना होगा। और आप बताइए, सेल्स जो अकाउंट है वह कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। इतना क्लियर है सबको? चलो, नगद बेच रहे हैं तो क्या बनाएंगे? कैश बनाएंगे। इतना सभी लोग बनाए हो? चलिए ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। अब हमको डेबिट क्रेडिट करना है, तो आप बताइए, जब नगद माल बेचेंगे तो व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। और जब व्यापार में कैश आएगा तो मैंने यही रूल पढ़ाया था कि रियल का रूल है, जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो कैश व्यापार में आ रहा, कितना आ रहा? 20,000। इसीलिए इसको करेंगे डेबिट। अब आगे आते हैं सेल्स। सेल हमने नॉमिनल अकाउंट रखा, क्यों रखा? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जानकारी रखी जाती है। और हमारा सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है जी? इनकम का एक स्रोत है, इनकम जनरेट होता है, इससे रेवेन्यू होता है। अब ध्यान देना, आप बताइए, यहाँ पे सेल इनकम है और नॉमिनल का रूल क्या है? इनकम को क्या करिए आप? क्रेडिट करिए। यही सोल्यूशन बन के आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें मैक्सिमम लोग का सही होगा, एक कुछ लोग का गलत होगा, सुधार कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिनका जिनका गलती है सही कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आंसर रहेगा इसका। ठीक है बाबू, चलिए सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर परेशान कई लोग होंगे, क्योंकि नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब है सोल्ड गुड्स, गुड्स को सोल्ड किया जितना पता है, टू किसको? उत्सव। फॉर कैश 6,000, मतलब आज भी, मतलब 19 तारीख को भी हमने सोल्ड किया था और नगद माल बेचा था, और 20 तारीख को भी मैंने सोल्ड किया है, नगद ही बेचा, लेकिन किसको बेचा है? उत्सव को। तो मैंने बोला था कि जब नाम आ जाए और कैश आ जाए, और वहां पे ध्यान देना वह क्लियर ना हो कि कितने का सेल किया जा रहा है, तो मानते कि वह सामान जो हमने बेचा है वह नगद ही बेचा है। ठीक है, तो चाहे 2,000 लिखे, चाहे 1 रुपया लिखे, चाहे 10 रुपया लिखे, अगर नाम के साथ फॉर कैश और वहां पे पैसा बताया जा रहा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि हमने कैश ही, नगद ही बेचा है, वहां पे उधार का कोई सवाल नहीं है। लेकिन यही पे मान लो हम लिख देते कि सोल्ड हमने जो किया है वो हमने किया है 7,000 रुपए का। कितने का? 7,000 का। तब लिखता कि उसका फार कैश ₹6,000, तब मानते कि 6,000 का नगद खरीदा है और 1,000 रुपए का उधार खरीदा है, तभी कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए हम लोग बाई डिफॉल्ट क्या मानते हैं? नगद ही मानते हैं। इसीलिए सेम वही सोल्यूशन होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट। दोनों क्वेश्चन सेम है, सही कर लेंगे इसको। मतलब जिनका गलत है सही आंसर लिख लेंगे, जिसका सही है सही कर लेंगे। सही
चलो अभी चेक करूंगा, अभी तुरंत सवाल दूंगा वो चेक करूंगा सबका कॉपी पहले, या उसके साथ साथ वो भी चेक कर लूंगा। या क्लियर हो गया बाबू सबका? चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे आप लोग सॉल्व करोगे आप बताओ। इसमें क्या बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है टू किसको? प्रणव को, ऑन क्रेडिट उधार कितने रुपए का? 17,000 का। तो ध्यान दो, सोल्ड कर रहे हैं तो क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट। क्लियर है सबको? चलो आप बताओ, उधार बेच रहे हैं ना, कहीं फायर कैश लिखा है क्या? नहीं लिखा है, इसलिए किसका अकाउंट बनेगा? प्रणव का। किसका बनेगा? प्रणव का। अब बताओ प्रणव अकाउंट क्या होंगे? पर्सनल अकाउंट है और पाने वाले हैं इसलिए इनको डेबिट करेंगे। सेल हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और व्यापार के लिए इनकम इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलो इतने सवाल में वो लोग हाथ उठाए ईमानदारी से जिनका तीनों सही। चलिए ठीक है, नीचे करिए। कुछ लोग हैं जिनके गलत है। हाँ क्यों इतना पूछा हूं? क्योंकि तीनों मैं बता चुका हूं इसलिए पूछा हूं। ये जो लास्ट वाला तीन जो क्वेश्चन है ना, वो हमने बताया नहीं था, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया। आप दिमाग लगाए हो तो कुछ ना कुछ बनाए हो, ठीक है? तो चलिए क्या बनाए हो, ठीक है, वो हम आपसे पूछते हैं। चलो कितने लोग बनाए हैं ये सवाल? 22 नंबर वाला कितने लोग बनाए उन्हीं से पूछेंगे। चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। बताओ राजन क्या बनाए हो आप? बीरू अकाउंट डेबिट। चलिए और कौन हाथ उठाया था? बैठो। हाँ पता चलो, अनुराग बताओ। चलिए आप भी सेम बताओ बहू। सेम सही है सर, सेम सेम सही है। चलिए ध्यान दीजिए, आते हैं बनाए हो, अच्छा बनाए हो, ठीक है, हमें भी पता नहीं है सही है गलत है, देख लेते हैं। देखो मतलब जितने लोग बनाए हैं हाथ उठाए थे उसमें से मैक्सिमम लोग का लग रहा है सही है, चेक कर लेते हैं पहले गलत है या सही है। तो जो लोग कंसेप्ट समझे होंगे ना, जब परचेज हम पढ़ाए थे वो लोग सॉल्व किए होंगे, या क्वेश्चन समझ गए होंगे वो भी सॉल्व किए होंगे। कई लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलो ध्यान दो क्या हो रहा क्वेश्चन में। 22 अप्रैल को क्या कर रहे हैं हम लोग? ए बातें मत करो। 22 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू बीरू, मतलब गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं किसको? बीरू को। कितने रुपए का? 3,000 रुपए का। तो आप बताओ कि गुड्स हम रिटर्न जो कर रहे हैं बीरू को, तो क्या बीरू से कभी खरीदा होगा तभी तो रिटर्न कर रहे हैं? जी कब खरीदा था याद होगा आपको, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। देखो हमारा दूसरा जो नंबर था बीरू से 20,000 का माल हमने खरीदा था कब? 11 तारीख को, समझे? और 11 दिन के बाद किसी कारणवश हमने अभी देखा नहीं था, लेकिन बाद में हमने देखा तो 20,000 का खरीदा था, लेकिन हमने कितने का माल वापस किया? 3,000 का। तो मैंने बोला था कि जो गुड्स हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेज, और वही गुड्स जब वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्या? परचेज रिटर्न, समझे? तो आप बताओ जिससे खरीदे हैं उसी के तो दुकान पे जाएंगे वापस करने के लिए। मान लो खरीद हमारे पास चले गए उनके पास, तो बहुत मारेंगे सब, ठीक है? तो इसीलिए यह क्वेश्चन दिया गया है कि हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? बीरू को। इसीलिए एक बीरू का अकाउंट बनेगा ही बनेगा, बोलो। अब नेक्स्ट आते हैं, यह बीरू का जो अकाउंट है वो कौन से अकाउंट है? पर्सनल। और परचेज इस बार नहीं कर रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं उसको परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं बाबू? परचेज रिटर्न। और यह परचेज जो रिटर्न है, यह एक प्रकार का ये भी नॉमिनल अकाउंट है।
क्या है बाबू? नॉमिनल अकाउंट है। तो आप बताओ, जब बीरू को माल वापस करेंगे तो बीरू पाने वाले होंगे कि देने वाले? पाने वाले होंगे। कितने का माल पा रहे हैं? 3000 का। इसलिए इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब कहो सर क्यों करेंगे? तो याद करो, हमने 20000 से क्या किया था? बोलो, क्रेडिट किया था। बोलो, और 3000 से क्या किया हमने? डेबिट किया। तभी तो माइनस होके 17000 बचेगा जी। तभी हम लोग 17000 उनको देंगे। मान लो खरीद लिया, दिखाया और वापस किया, नहीं दिखाया तो कहेंगे बीरू हमको 20000 दो। समझे? इसीलिए यह ट्रांजेक्शन पास करना होगा। तो मैनुअली सीख रहे हैं ना, ये हमको कंप्यूटर सीखना होगा, तो आगे बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आया? चलो आप बताओ, परचेज किया तो एक्सपेंस किया ना। अब वो हमने जो एक्सपेंस किया था वो फिर से वापस हो जा रहा है, इसीलिए वो एक प्रकार का हमारा इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और इसीलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सेम उल्टा हो जाएगा। हाँ, बीरू अकाउंट डेबिट टू परचे रिटर्न अकाउंट। बीरू अकाउंट डेबिट टू परचे रिटर्न अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आप बताओ, इस बार क्या किया जा रहा है? गुड्स रिटर्न। राम तरु रुपये कितना जी? मतलब इस बार गुड्स रिटर्न हो रहा है, कौन कर रहे हैं? तरुण कर रहे हैं। ठीक है, किसको? हमको। ठीक है, कितने का? 1000 रुपए का। तो देखो लिखा गया गुड्स रिटर्न प्राम तरु। ठीक है ना, अब हम लोग इस बार हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तरुण रिटर्न कर रहे हैं। और तरुण को हमने बेचा था, याद करो कितने का बेचा था? 15000 रुपए का। कब? 17 तारीख को। और यह वापस कर रहे हैं 23 तारीख को। ठीक है, जब इन्होंने देखा, ठीक है, तो उन्होंने भेजा हमारे पास, वापस किया। तो आप बताओ, सेल्स किया था ना इस बार, अब क्या होगा? सेल्स रिटर्न हो जाएगा। समझे? और किसको रिटर्न कर रहे हैं? बोलो, मतलब तरुण से रिटर्न कर रहे हैं ना। ये कौन सा अकाउंट बनेगा? तरुण का अकाउंट बनेगा। तो आप बताइए, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। अब बताओ, हमारे व्यापार में घाटा हो गया ना जी। बोलो, इनकम किया था फिर उतने का नुकसान हो गया, इसलिए क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। और तरुण क्या है? ये इस समय देने वाले हैं। कितने का सामान दे रहे हैं? 1000 रुपए का। इसलिए क्या करेंगे? इनको क्रेडिट करेंगे। इस बार होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। मतलब सेल जो क्रेडिट हुआ है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और तरुण जो डेबिट हुए वो क्रेडिट हो जाएगा, तभी बैलेंस मैच करेगा। क्या करें? कुछ नहीं यार, लिखने का तरीका है। रिटर्न गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरे यार यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू बीरू और गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरु लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लिख देते हैं कि परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज मतलब वही होता है कि खरीदने का ही। ठीक है, यहाँ पे टू समझो, अफराम इसका मतलब है, तब चेंज हुआ है, मतलब किसको वापस कर रहे हैं और ये किससे वापस कर रहे हैं जी। सेल किया है यहाँ पे, और सेल्स रिटर्न इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखो, रिटर्न गुड्स को रिटर्न किया जा रहा, किसको? बीरू को। तो बीरू को गुड्स रिटर्न कब करोगे? तुम कब करोगे? आप खरीदे हो। कैसे पता चला? पिछले वाले क्वेश्चन से, समझे ना, या पढ़ने से पता चल रहा है रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखो, यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो रहा फ्रॉम तरुण, मतलब तरुण जो है ना हमको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जब दूसरा हमको रिटर्न करेगा, मतलब हम सेल किए थे, और जब हम रिटर्न करेंगे तो मतलब हम परचेज किए थे, इसलिए यह कॉमन सेंस लगा के हमने क्वेश्चन किया है।
समझे, क्लियर है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यह कितने लोग बनाए हैं, हाथ उठाएं। चलो बहुत अच्छा। तो एक एक करके अपना अपना बताइए सोल्यूशन क्या बनाए, बताओ। चलिए ड्राइविंग एंड डेबिट टू कैश अकाउंट इधर। चलिए नेक्स्ट, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अच्छा और कोई अगर आप गूगल पे सर्च किए हो तुम लोग। अच्छा कंसेप्ट, चलिए ठीक है, मतलब ध्यान देना। और अब लोग बताओ जी, तुम लोग क्या बनाए हो। हाँ सुनो, चलिए देखते हैं क्या सही रहेगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, सुन लो और थोड़ा समझ लो। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट थोड़ा है, क्या है तो देखो, बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को गुड्स टेकन किया जा रहा है बाय किसके द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, फार किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, कितने रुपए का, 1000 का। तो ध्यान देना कि जितने लोग ड्रॉइंग अकाउंट और कैश अकाउंट बनाए हैं उनका गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि व्यापार का मालिक कैश नहीं निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है। और जितने लोग ड्रॉइंग और कैपिटल बनाए उनका भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है। सही क्या है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे गुड्स टेकन किया जा रहा है किसके थ्रू, प्रोप्राइटर के थ्रू, किसके लिए, फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने तो एक बात तो आप लोगों को थ्योरी में क्लियर कर दिया था कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए व्यापार से कोई गुड्स निकालता है, ठीक है, और या कैश निकालता है, तो वहां पे एक अकाउंट ड्रॉइंग का बनता ही बनता है, ठीक है, पढ़ाया था ना। तो चलिए इसीलिए पहला तो अकाउंट क्लियर है, बनेगा ड्रॉइंग का। और यह कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और आप बताओ गुड्स टेकन कर रहे मतलब पाने वाले है ना, आप पाने वाले तो क्या करेंगे, इनको डेबिट। ये क्लियर है। और देखो जब भी गुड्स व्यापार से निकाला जा रहा है तो गुड्स मान लो व्यापार से निकाल रहे हैं तो परचेज किए होंगे तो ही तो सामान रखा गया होगा। तो जब गुड्स निकालते हैं व्यापार से, ठीक है, तो उसके लिए बोला जाता है कि जब आपके गुड्स में कमी आए, ठीक है, तो आप खरीदी थे तो ही तो पड़ा था, ठीक है। तो जब आप निकाल रहे हो, ठीक है, या किसी को गुड्स वैसे दे रहे हो, तो वहां पे ध्यान देना परचेज का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा, परचेज का अकाउंट बनेगा। आप कहोगे सर क्यों बनेगा, ये तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है, हम माल तो खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कंसेप्ट यही है कि गुड्स हमने खरीदा तो व्यापार में बहुत सारा गुड्स हमने खरीदा, व्यापार में बहुत सारा गुड्स आया। जब व्यापार का स्वामी व्यापार से गुड्स निकाल लेता है तो जब परचेज करते तो हमारा गुड्स इंक्रीज होता है, और जब इंक्रीज होता है उसके लिए हमको डेबिट कर देते हैं। अच्छा वही मालिक व्यापार से निकाल लेता है तो डिक्रीज होता है गुड्स, और बताते हैं परचेज हमारा जो किए उसमें सामान कुछ घटा है और बता देते हैं कितने का घटा है। तो इसीलिए वहां पे परचेज के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, तो ये इनकम नहीं हो रहा है, या व्यापार में जो गुड्स खरीदे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब व्यापार में गुड्स बढ़े तो डेबिट करते हैं, जो घटे तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स का नया अकाउंट बना के परचेज का बनाते हैं। अब प्रोसेस क्या अंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। परचेज कितने का किया दिखा दिया, अब कितना मालिक निकाल लिया परचेज किए हुए वो दिखा दिया, ठीक है, तो भी बैलेंस मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कंसेप्ट कहता है कि जब व्यापार का मालिक कोई गुड्स निकालता है तो वहां पे हमेशा अकाउंट लिखिएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन यहीं पे कैश रहता तो जी, तो बस ड्रॉइंग अकाउंट रहता ही रहता है वहां पर कैश रहता। आप लोग गलती की होगे, और आज के बाद से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करिएगा, ठीक है ना, आएगा ऐसा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। हो गया, चलिए 26, 27 और 28 तीनों सभी लोग बना के दिखाएं, ऑनलाइन लाइव वाले आप लोग भी दिखाइए। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है, 26 अप्रैल को क्या किया जा रहा है, बॉट खरीदा जा रहा है, लैंड कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, बताओ। तो मैंने बोला था जब भी हम कोई एसेट क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो वहां पे परचेज का अकाउंट कभी नहीं बनाते हैं, वहां पे उस संपत्ति का अकाउंट बनाते हैं जो हम खरीदते हैं। तो इसीलिए यहाँ परचेज का अकाउंट नहीं बनाएंगे, जितने लोग बनाए हैं सुधार करें आज के बाद से, जब परचेज गुड्स आएगा तभी परचेज का अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे लेंड का अकाउंट बनेगा, ओके ना। अब उसके बाद से अब बताओ हमारे व्यापार के लिए क्या है, रियल है अकाउंट है। और उसके बाद से आप बताओ किसी का नाम लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं। क्या फार कैश लिखा है क्या, नहीं। फिर भी हमने बताया था जब नाम ना लिखे, फार कैश ना लिखे तो नगद ही मानते हैं, जब नाम लिखे फार कैश ना लिखे उधार मानते हैं, जब नाम लिखे फार कैश लिखे तो भी नगद मानते हैं, जब यह क्लियर ना हो, ठीक है। लेकिन अब क्लियर है, नहीं इतने का खरीद रहे हैं, इतना दे रहे हैं और इतना बाकी है, तब तीनों बनाएंगे, ठीक है ना। तो आओ यहाँ पे हमारा बनेगा कैश अकाउंट, और आप बताओ कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल है। और आप बताइए अब व्यापार में यही तो देखना है क्या आ रहा और क्या जा रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, ये भी लगा सकते हो आप लोग। चलो आप बताओ लेंड बढ़ रहा है मतलब व्यापार में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश व्यापार से 50,000 जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस हो जाएगा ना। चलिए बस करते करते तुम तो बना ही नहीं पा रहे हो, दूसरे बस में चले जा रहे हो, दिमाग यहां पर रहेगा तो सॉल्व करोगे। और देख लो कई लोग, ठीक है, पूरा कॉमर्स पढ़ लेते फिर भी जनरल एंट्री नहीं आता है, और आते हैं परेशान रहते, सर जी पहले पढ़े होते हम लोग ना तो 2-4 नंबर बढ़ गया होता, समझे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। और कई सारे बैचेज में पढ़ाता हूँ, 2-4 मिल जाते हैं लोग जो जनरल एंट्री भी नहीं कर पाते हैं। चलिए ध्यान देते आगे बढ़ते हैं, समझ लो। अगला है कि परचेज मशीनरी, इस बार मशीनरी परचेज कर रहे हैं फार कैश, देखो इसमें लिख दिया फार कैश, तो अलग अलग टाइप्स का मैं एक क्वेश्चन दिया हूं, इसलिए कि आप कहीं मान लो कोई क्वेश्चन दे दे, घुमा कर दे दे, इधर उधर क्वेश्चन दे दे, तो आप कंसेप्ट लगा लो कि सर ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो मैं साफ साफ लिख देता फार कैश फार कैश फार कैश, लेकिन आगे चल के तुमसे पूछ दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे देगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन रखा हूँ। आप बहुत छांट के रखा हूँ, जनरल एंट्री तो हजारों है, लेकिन वही वही क्वेश्चन रखा हूँ जो आगे चल के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चलो इस बार मशीनरी क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं नगद ना, तो चलो एक किसका अकाउंट बनेगा जी, जी मशीनरी का अकाउंट बनेगा। और मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल है, व्यापार के लिए एसेट्स है, और मशीनरी जब खरीदेंगे तो आएगा, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। नगद खरीद रहे हैं तो क्या होगा, कैश, और कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब याद होना चाहिए बार बार रियल और नॉमिनल नहीं बोलेंगे, अब फ्लो में आना है, आ गया ना। अब नेक्स्ट आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, 28 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदा जा रहा है फ्रॉम किससे, इंटेल कंप्यूटर से, फार रुपीज कितना, 25,000। तो आप बताओ कहीं फार कैश लिखा है क्या, कहीं ऑन क्रेडिट लिखा है क्या, नहीं। फिर भी इसको उधार मानेंगे, क्यों, क्योंकि नगद की बात नहीं की जा रही है, और ना ऑन क्रेडिट लिखा है, फिर भी उसको उधार मानते हैं क्योंकि नाम लिखा गया है, इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर। और आप बताओ कंप्यूटर का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, क्या है, रियल है। और आप बताओ कंप्यूटर व्यापार में आएगा तो क्या होगा, एसेट्स आ रहा है, एसेट्स होगा, डेबिट हो जाएगा। और आप बताओ किससे खरीद रहे हैं, इंटेल कंप्यूटर से। और आप बताओ ये कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल, तो आप तो इनसे खरीद रहे तो देने वाले हैं ना, ठीक है। कल परसों पैसा देंगे अलग बात है, आज तो हम लोग लेके जा रहे हैं और इंटेल कंप्यूटर पैसा देने वाले हैं 25,000 का सामान, इसलिए इनको हम कर देंगे क्रेडिट, समझे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू इंटेल कंप्यूटर अकाउंट। आपको सर क्यों क्रेडिट में दिखाते हो कि यह पैसा हमको कल देना है परसों देना है, जब देंगे तो पाने वाले हो जाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट कितने से 25, तो डेबिट कितने से 25, बैलेंस क्या हो जाएगा जीरो, यही होगा ना। तभी तो कहेंगे नहीं हम एक रुपया नहीं देना आपको, एक कंसेप्ट आगे बहुत काम देगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो 30 नंबर, नहीं वो तो क्वेश्चन अलग वो टाइप का, इसमें समझाना नहीं। 30 नंबर और 3 मई दोनों क्वेश्चन बना के दिखाई जल्दी फास्ट। 30 और 31, नहीं 30 मई और नहीं 30 अप्रैल और 3 मई का बनाइए। ए लेकिन ये मुझे क्या कहें हम, चलो बाद में बताते हैं, ये जुड़े हैं लांगवे कुछ अलग है। फोटो क्लिक करके रखना पड़ेगा मुझे, देखिए चलो करो। ठीक पहले करो तो कैसे निकलेगा। यार तू सबसे गजब है यार।
अब